सो हेलो एवरीवन, अगर आपको टर्मिनल के थ्रू कोई फोल्डर बनाना है किसी भी फोल्डर के अंदर, तो आप लोग कैसे बना सकते हो देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको लिखना होता है MKDIR, इसकी फुल फॉर्म होती है मैक डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है फोल्डर का नाम, जैसे हम लोग लिखते हैं स्टैक। जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो इस साइड आपका फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा फोल्डर बन चुका है। एंड अगर यहाँ पर हम लोग स्पेस के थ्रू लिखते हैं तो आप लोग मल्टीपल फोल्डर्स भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C++, एंड देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाइथन, देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सी एंड देन जावा। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हमारे मल्टीपल फोल्डर्स बन के रेडी हो चुके हैं। एंड अगर आप लोग टर्मिनल के थ्रू VS कोड को ओपन करना चाहते हो तो वो आप लोग कैसे करोगे? जैसे ही आप लोग लिखोगे कोड एंड देन डॉट, तो आपका जो VS कोड है वो भी ओपन हो जाएगा टर्मिनल से। सो इस तरीके से आप लोग VS कोड के जो भी टूल्स हैं, जो भी कमांड्स हैं, उनको आसानी से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।